हापुड़ के औद्योगिक क्षेत्र धीरखेड़ा में मंगलवार की मध्य रात्रि को बदमाशों ने एक मुर्गी दाना फैक्ट्री पर धावा बोल दिया और पिकअप गाड़ी में मुर्गी दाना की बोरियां लाद कर ले गए। चोरी किए गए माल की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। क्या नाम है आपका और आपकी फैक्ट्री में क्या हुआ? फैक्ट्री में हमारा मुर्गी दाना आता है MBM GST से। ये परसों रात 11:30 बजे गाड़ी लोड हुई थी, उसके बाद सब लोग चले गए। 12:01 पर पिकअप गाड़ी आई है जिसमें लगभग हमारा 6-7 टन माल गया है। उसके 2 चक्कर लगे हैं, 3 लगे हैं, ये अभी अपडेट आएगी कैमरों में। बदमाश कैसे प्रवेश करे अंदर फैक्ट्री में? प्रवेश तो मोटरसाइकिल से आए हैं 2 जने पीछे से, और पिकअप गाड़ी आई है। फैक्ट्री का ताला तोड़ा क्या? ताला तोड़ के और उसमें ताला भी साथ ही लेके गए हूँ। तो क्या लगता है बदमाश जो माल लेंगे गाड़ी से लोड करके ले गए? ये गाड़ी से लोड करके ले गए हैं और ये रेगुलर ले जा रहे हैं, पता आज चला है। ये कंटिन्यू मतलब हर महीने के हिसाब से जो हमारा स्टॉक कम होता था, लेकिन ये खुला अब है कि कंटिन्यू जा रहा है माल। हम तो सोच रहे हैं माल सूख रहा है। आज कैसे पता चला चोरी का कि हमारा चोरी हुआ? आज सुबह हमारा लड़का आया था ये बिलाल, इसने सुबह देखा तो जैसे स्टॉक कम था, माल देगा तो उसमें कम कट्टे नजर आए, गिनती करा तो स्टॉक कम था उसमें। कितने रुपए का माल होगा? लगभग 60 रुपए किलो का माल है। टोटल माल कितने? टोटल ये 8 से 10 लाख रुपए का माल बैठेगा अगर कंटिन्यू सारा देखा जाए तो। ये जो पिकअप में गया है ये लगभग 2.5-3 लाख रुपए का माल गया है। पुलिस को सूचना दिया आपने? बस अभी कार्रवाई कर रहे हैं, अभी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकल जाए तो पुलिस को फिर इसकी सूचना देते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? हम हापुड़ के रहने वाले हैं, अमजद नाम है मेरा, फर्म का नाम SR एग्रो है। हापुड़ के मोहल्ला कोटला मेवतियान के अमजद ने धीरखेड़ा क्षेत्र में एक फैक्ट्री किराए पर लेकर मुर्गी दाना बनाने का कारोबार SR एग्रोवेट नाम से शुरू किया। फैक्ट्री में दर्जनों श्रमिक काम करते हैं। मंगलवार की शाम को अमजद फैक्ट्री का ताला लगा कर घर चले गए। फैक्ट्री में ये हुआ कि यहाँ से ये परसों काम निपटा के अपने जा रहे थे, 10-11-12 बजे जो भी अपना मशीनों का काम निपटा के गए। आज इन्होंने जो अपना खोला है, कल की छुट्टी थी तो यहाँ से माल गायब है। पिकअप गाड़ी कैमरों में आ रही है जो, लेकिन नंबर वगैरह नहीं आ रहा। अब 2-3 जो फैक्ट्री में कैमरे लगे हुए हैं उनको देख रहे हैं अगर उनके नंबर वगैरह आ जाए। अब जो दिख रहा, 2 जने तो बाइक पे निकले हैं पीछे से, एक पिकअप गाड़ी भर के निकले, तो लगभग 5-6 आदमियों का काम है ये, इससे कम का तो है नहीं। ये 2 आदमी बाइक पे हो गए और अगर 2 या 3 आदमी गाड़ी में, वो तो 5 आदमी कम से कम है। और 1.5-2 घंटे में उन्होंने माल 7-8 लाख का माल कम से कम भर के पिकअप में ले गए हैं। और ये अब मैन खुलका है, लेकिन काम तो ये पहले से ही हो रहा है। कोई ना कोई आदमी ऐसा शामिल है या टचका है, कैसे ये मिलने वाला है या इसको देखना जानता के कैसे बिक सकता है, तो वही आदमी इसको काम कर सकता है। नहीं, चौकीदारी काम, चौकीदार हो कोई ऐसा भी नहीं है। 3 ताले लगे हुए हैं, एक बाहर का लगा दे, एक छोटे गेट का, एक अंदर का लगा दे, काम निपटा ले गए। ये तो एक मिट्टी भरूदा सा है जो भी अपना है, लेकिन ऐसी कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसा धीरखड़े में कभी काम भी नहीं हुआ कि चोरी डकैती होगी या लूट गई फैक्ट्री, ये तो सामने पहली बार आ रही है। CCTV फुटेज से पता चला है कि मंगलवार की मध्यरात्रि के करीब फैक्ट्री के 3 ताले तोड़कर एक पिकअप में और बाइक पर सवार होकर 5-6 लोग प्रवेश करते हैं और करीब 1.5 घंटे बाद माल से लदी पिकअप बाहर निकलती है। बुधवार की सुबह जब श्रमिक काम करने के लिए फैक्ट्री पर पहुंचे तो सनसनीखेज इस चोरी का पता चला।